बाहुबली नेता धनंजय सिंह के जेल जाने से राजपूत समाज में नाराजगी की खबर सामने आ रही है और ये नाराजगी बीजेपी की टेंशन बढ़ा सकती है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर जो निकलकर जौनपुर से सामने आ रही है वो ये है कि जौनपुर के एक बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिस बीजेपी नेता प्रमोद यादव की हत्या हुई है वो धनंजय सिंह की पत्नी के खिलाफ बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वो बीजेपी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष थे। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में धनंजय सिंह की पूर्व पत्नी जागृति सिंह मलहनी विधानसभा से चुनावी मैदान में थी। इस सीट से सपा के पारसनाथ यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन दूसरे नंबर पर धनंजय सिंह की पत्नी थी और तीसरे नंबर पर बीजेपी के प्रमोद यादव। इन्हीं प्रमोद यादव को 7 मार्च की सुबह अज्ञात बदमाशों ने उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी। थाना क्षेत्र सिकरारा के उधापुर गांव में घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रमोद यादव जिनको कुछ बदमाशों द्वारा रोक करके कुछ कार्ड देने के बहाने बातचीत करने की कोशिश की गई और उसी दौरान उन पर फायर किया गया, जिसमें हॉस्पिटल आते आते उनको यहाँ पे डेथ डिक्लेयर किया गया है। तो फिलहाल इसमें हमारी टीमें वर्कआउट कर रही हैं, जो कुछ संदिग्ध हैं उनके जानकारी भी प्राप्त हुई है और कुछ अन्य जानकारियां प्राप्त हुई हैं जिसको वर्कआउट करके बहुत जल्द से जल्द इसका खुलासा किया। दरअसल बाहुबली नेता धनंजय सिंह ने जौनपुर लोकसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। ऐलान के एक दिन बाद ही उन्हें जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने साल 2020 के एक अपहरण के केस में दोषी ठहराते हुए 7 साल की सजा मुकरर कर दी। धनंजय सिंह भले ही अपहरण और रंगदारी के मामले में दोषी ठहराए जाने से जेल गए हैं, लेकिन जौनपुर के लोगों और उनके समर्थकों के बीच यही चर्चा है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सब किया गया है। हालांकि ये बात उन्होंने खुद जेल जाते हुए भी कही। बाहुबली धनंजय सिंह के जेल जाने के बाद सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो एक शादी कार्यक्रम का है, लेकिन लोग उनके जौनपुर से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने से जोड़ कर देख रहे हैं। बीजेपी कैंडिडेट घोषित होने के बाद धनंजय सिंह ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था, उसमें निर्दलीय या फिर सपा से ही विकल्प बच रहा था, क्योंकि सपा ने भी जौनपुर सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। स्थानीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि जौनपुर में धनंजय सिंह का अपना एक दबदबा है और उनकी अपनी लोकप्रियता है, खासकर ठाकुर समुदाय के बीच मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर निर्दलीय चुनाव लड़ते तो जौनपुर का मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता था और सपा से उतरने से सीधा मुकाबला हो सकता था। हालांकि अब उन्हें 7 साल की सजा हुई है और वो जेल भेज दिए गए हैं, जिसके बाद अब उनकी पत्नी की चुनाव लड़ने की चर्चा है। सपा अगर शिकला रेड्डी को प्रत्याशी बनाती है तो फिर जौनपुर में बीजेपी के लिए यह सीट निकालना आसान नहीं होगा, क्योंकि सपा प्रवक्ता फखरुल हसन के ट्वीट से सियासी कयास को बल मिल गया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। आने वाले समय में जौनपुर से धनंजय सिंह चुनाव लड़ पाएंगे या जेल में रहेंगे या फिर पत्नी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जौनपुर का चुनाव रोचक होगा। जौनपुर लोकसभा सीट पर क्षत्रियों और यादवों का दबदबा रहा है। इस लोकसभा सीट पर यादव और ठाकुर बराबर संख्या में हैं। साल 2019 में सपा बसपा गठबंधन के तहत श्याम सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी, क्योंकि दलित मुस्लिम और यादव मतदाता एकजुट हुए थे। साल 2009 में जब धनंजय सिंह बसपा के टिकट पर चुनकर सदन पहुंचे थे तो उस वक्त भी क्षत्रिय मुस्लिम और दलितों की एकजुटता देखी गई थी। वहीं बीजेपी की नज़र क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट बैंक पर है। ऐसे में अगर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला या उनका कोई भी करीबी चुनावी मैदान में उतरता है तो क्षत्रिय वोटों में सेधमारी का खतरा बढ़ जाएगा, जो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है। सपा के टिकट पर श्रीकला अगर चुनावी मैदान में उतरती हैं तो फिर यादव मुस्लिम और ठाकुर वोटों के समीकरण बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर सिंह के लिए टेंशन बढ़ा सकते हैं। हालांकि अब ये सिर्फ सियासी स्पेकुलेशन है। सपा क्या करेगी, किसका सपोर्ट करेगी या किसको मैदान में उतारेगी, ये तो उसकी लिस्ट आने के बाद ही पता चल जाएगा। लेकिन धनंजय सिंह के जेल जाने से क्षत्रिय वोटों में नाराजगी जरूर नजर आ रही है, जो बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।